ट्रेन भी यार प्लान भी जल्द मरम डलना स्टार्ट हो चुका है, मरम डल जाएगी चारों तरफ ही रह गया बस, पूरा कंप्लीट हो चुका है समथिंग राजस्थान में तो, और तो सब कंप्लीट ही है। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त होंगे। कुछ भी तो हाँ दोस्तों, आज फिर से आ चुके चंबल नदी पे, और चंबल नदी पे काफी सारा काम हो चुका है। अच्छा, और थोड़ा सा ही काम बचा है मेरे हिसाब से, 2-3-5-6 दिन का बोले तो इतना ही बचा है। ठीक है, समझ गया। और बहुत तेजी से काम होता है, इतनी तेजी से तो ट्रेन भी यार प्लान भी जल्दी, इतनी तेजी से काम हो रहा है तो नहीं मानता। हाँ दोस्तों, और मेरे साथ पोपट भी हो चुका है। दोस्तों मैंने जो माइक मंगाया था ना, उसकी आवाज नहीं आ रही, वो खराब निकल रहा है, डिफेक्ट, मतलब एक थोड़ी सी भी आधा घंटा भी नहीं चलता, आधा घंटा या 10 मिनट मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ नहीं चलता, 10 मिनट भी वो माइक नहीं चलता है, सब पोपट हो गया। तो उसको जो अब मैंने रिटर्न डाल दिया है, तो कल डिलीवर आएगा, लेके जाएगा, और पास रिफंड आ जाएगा मेरा, तो देखते हैं। 500 रुपये पैसे ही गए, मतलब 500 रुपये में कोई माइक अच्छा आएगा नहीं मेरे हिसाब से, तो K8 वायरलेस मंगाना ही मत, खराब है वैसे ही। तो हम दोस्तों ब्लॉग कंटिन्यू बने रहना, तो चलो चलते हैं, और जो भी अपडेट है आपको देते हैं ब्लॉग में, तो ब्लॉग कंटिन्यू बने रहना। तो हाँ दोस्तों, आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, देखो वहाँ पे क्या है, गिट्टी डल रही है, मतलब जो साइड से मरम डलने लग गई है। रोड तो कम्प्लीट हो चुका है, बस थोड़ी सी यहीं बची है, देखो यहाँ थोड़ी सी बची है, बस ये पूरी कम्प्लीट हो चुकी है, और बस तो वहाँ से मरम डलना स्टार्ट हो चुका है, मरम डल जाएगी चारों तरफ से। जो डिवाइडर होते हैं ना, जो स्टील के बने होते हैं, वो साइड से लगेंगे, क्योंकि जो घुमाव है ना, इसीलिए तो डिवाइडर सेफ्टी जरूरी है ना, तो काफ़ी सेफ्टी का ध्यान भी रखा जाता है ना, इसीलिए तो डिवाइडर लगेंगे, इधर भी उधर भी दोनों तरफ लगेंगे, और राजस्थान की भी तरफ लगेंगे। तो हाँ, ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहना चलता है, और आगे ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहें। देख सकते हो जाली का काम भी लगभग हो चुका है, मतलब 2-3 दिन में पूरा जाली का काम भी कंप्लीट हो जाएगा। वीडियो नहीं बना देते यार दोस्तों, तो हम जब से पुल का काम चालू है ना, अच्छी तरह से वीडियो नहीं बना पाता, अच्छी तरह से रख दे साले, खोपड़ी तोड़ दूंगा। तो हाँ दोस्तों, देख सकते हो जाली का काम थोड़ा सा ही रह गया, बस पूरा कंप्लीट हो चुका है समथिंग। तो यहाँ पर देखो, कम से कम बस 200-300 मीटर का फर्क रहा होगा, बस 2-3 दिन का काम है सिर्फ। अच्छा, 2-3 दिन में जाली कंप्लीट। ठीक है, समझ गया, बोले तो खलास। तो हाँ, लवान गांडी ने बनाया रहना। जाली का काम तो समथिंग खत्म ही हो चुका है, भैया बोल रहे थे जाली वाले कि आज कल परसों, मतलब 2-3 दिन में काम कंप्लीट हो ही जाएगा जाली का तो, और परसों इसे बोल रहे थे 2-3 दिन बाद डिवाइडर, जो मैं बोल रहा था डिवाइडर साइड से डिवाइडर लगेंगे, तो वो 2-3 दिन बाद डिवाइडर ही चालू हो जाएंगे। तो मतलब काफ़ी अच्छे अच्छे ब्लॉग आने वाले हैं, तो ब्लॉग कंटिन्यू बने रहना, वो सब्सक्राइब कर ले हमारे चैनल को, तो चलो चलते हैं और आगे देखते हैं, आगे क्या सीन है, तो ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहना। अभी राजस्थान की साइड में, और राजस्थान की साइड में क्या मरम डल रही है, जो मैंने आपको पहले ब्लॉग में दिखाया था, उस दिन जब मैं राजस्थान की साइड दिखाने आया था, तो तब देखो, देख सकते हो यहाँ पे जो साइड से मरम डल रही है, देखो वहाँ तक डल चुकी है, मतलब काफ़ी दूर डल तो काफ़ी दूर तक ही, लेकिन जो दो पहले इसको प्लान कर दिया था, फिर ऊपर से द्वारा डाल दिए, तो फिर द्वारा से डाल दिए, देखो वहाँ रोलर चल रहा है, देखो वहाँ ये रोलर आ रहा है, देखो उधर से, मतलब इधर तो बस क्या है, जो डिवाइडर है ना, उसका काम रह चुका है बस राजस्थान में तो, और तो सब कंप्लीट ही है, और तो सड़क तो पूरी बन चुकी है, मतलब जितना पुल का ठेका था उसने उतनी बना दी है, और जो आगे की सरकार राजस्थान का वो आगे बनाएगी। हाँ दोस्तों, ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहना। दोस्तों कल इससे भी अच्छा वीडियो आने वाला है, एकदम तुरंत फर्क तक, मतलब कल काफ़ी अच्छा काम होने वाला है, तो ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहना, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो हाँ दोस्तों, आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं, वीडियो को लाइक करें, जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ब्लॉग आपको मिलते रहेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम। तो भैया बोलो सारे लोग।